छठे में करेक्शन ये है बेटा कि जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है ना, इसमें हो जाएगा 1/7 और 14 ना। एक और है इसमें बेटा, ये जो सवाल नंबर 7 है ना, इस सवाल नंबर 7 में हमें ये तो कह दिया कि चार द्रव्यमान है, चारों द्रव्यमानों को वर्ग के कोने पे रखना है, पर कौन से कोने पे किस द्रव्यमान को रखना है ये भी शायद बताया जाना जरूरी है, वरना हर व्यक्ति का हर कोना अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल उस हिसाब से मैं एक सेट पैटर्न यहाँ पे सबको कॉमन बता देता हूँ कि वर्गाकार सिस्टम में आप सबसे पहले 2 kg यहाँ रखना शुरू करें और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएं, यानी 2 यहाँ तो 3 यहाँ, यहाँ 5 और फिर 8, ऐसे सिस्टम को फॉलो कर लें, उसके हिसाब से जो भी आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में देख लेना। ठीक है, ELP 1 में आखिरी 11 तक कोई डाउट बोलिए। ओ 10, 10 की बात कर लेते हैं, 10 के पहले कोई भी बोलिए। नो, चलिए क्वेश्चन 10 की बात कर लेते हैं, और 10 में हमें यहां पर कैसे सोचना चाहिए। हम एक स्टेटमेंट लेकर चले थे, हमने कहा था कि जब भी किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र हम ढूंढना चाहते हैं, और अगर उस निकाय में एक सममिति की लाइन में ढूंढ पा रहा हूं, मतलब ऐसी रेखा, ऐसी प्रतिच्छेदी रेखा या ऐसा सममित तल जिससे उस तरफ और इस तरफ एग्जैक्ट सममिति है, तो द्रव्यमान केंद्र उसी, वही नहीं होगा, द्रव्यमान केंद्र उसी सममित रेखा पर या उसी समद्विभाजक रेखा पर होगा। हाँ या ना, कहता नहीं अपन। दूसरी चीज, दूसरी चीज ये कि अगर मेरे पास कोई दो द्रव्यमान है और मैं चला गया उन दोनों द्रव्यमानों के मध्य बिंदु पर, और फिर मुझसे पूछा जाएगा कि उस मध्य बिंदु से देखे जाने पर द्रव्यमान केंद्र इधर नजर आएगा या इधर नजर आएगा, तो आप कहेंगे जिस तरफ भारी द्रव्यमान है उस तरफ द्रव्यमान केंद्र नजर आएगा। आया ना? अरे प्रभु सुन रहे हो, और किसी भी थियोरेटिकल सवाल को करने के लिए ये दो बातें पर्याप्त है, और मुझे नहीं लगता दोबारा रिपीट करने वाली बात है। पहली स्टेटमेंट मैंने कही, सममित रेखा, अगर सममिति है तो सममित रेखा से हम सेंटर ऑफ मास का अंदाजा लगा सकते हैं, और दूसरा कि निकाय का केंद्र ढूंढकर ये देख लें कि जिस तरफ भारी मासेज हैं द्रव्यमान केंद्र उसी ओर पाया जाए। तो मैं इस सवाल की बात करता हूं, और इस सवाल नंबर 10 में हमसे कहा है कि एक इस प्रकार से वर्ग के चार कोने हैं जिनमें m1 द्रव्यमान है, 2m, फिर यहां पर 4m, फिर यहां m, और अंत में अज्ञात m4। और ये कहना चाहता है सवाल कि यार मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये जो भी द्रव्यमान केंद्र है वो इस केंद्र पर हो, इस ज्यामितीय केंद्र पर हो, और अगर द्रव्यमान केंद्र इस ज्यामितीय केंद्र पर हो तो गौर से देखना बेटा, इस ज्यामिति से, इस केंद्र से खींची गई ये ऊर्ध्वाधर रेखा इधर वाले द्रव्यमान की दूरी a/2, इधर वाले द्रव्यमान की दूरी, इधर वाले द्रव्यमान की दूरी, इधर वाले द्रव्यमान की दूरी,
आपने क्या कहा, आर टू ए बाई टू है, आर वन भी, तो यहां से रिजल्ट क्या बनना चाहिए, यानी इस रेखा के उधर के द्रव्यमान और इस रेखा के इधर के द्रव्यमान अगर बराबर हुए तो ही द्रव्यमान केंद्र इस बीचों बीच किसी बिंदु पर आएगा। हाँ कि ना? इधर कितने द्रव्यमान है मेरी तरफ, उधर भी कितने होने चाहिए, नीचे कितना है, तो वहां कितना है, तो यहां कितना आ जाना चाहिए। अगर ये m4 का मान कितना हो तो निश्चित रूप से द्रव्यमान केंद्र इसी रेखा पर आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी बात, इस रेखा के साथ अब मैं इस रेखा की भी बात करता हूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली द्रव्यमान केंद्र कहां चाहिए, दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु पर, यानी वो द्रव्यमान केंद्र इस रेखा पर भी मौजूद हो और तभी जाकर वो बिल्कुल बीचों बीच केंद्र पर बन पाएगा। हाँ या ना? अभी यहां क्या सुनिश्चित हो पाया है कि इस रेखा पर कहीं ना कहीं है। हाँ कि ना? मुझे इस बिंदु पर चाहिए, इसके लिए मैं अब यहां इस रेखा के लिए भी सारी बातें फिर से रिपीट करूंगा। सममित रूप से ऊपर वाले द्रव्यमान बराबर दूरी पर है, नीचे वाले भी दूरी बराबर, तो द्रव्यमान भी आर वन आर टू बराबर, तो एम वन एम टू भी, तो नीचे कितने द्रव्यमान है, ऊपर भी कितने होने चाहिए, यानी वो 5m होना चाहिए, 5m होना चाहिए। तो ये तो धर्म संकट हो गया कि अगर यहां द्रव्यमान केंद्र होने हैं तो ये रेखा क्या कहती है, ये रेखा क्या कहती है, क्या दोनों एक साथ संभव है, यानी कुल मिलाकर यहां पर द्रव्यमान केंद्र का होना संभव नहीं, संभव हो पाता अगर दोनों को संतुष्ट करने वाले उस अज्ञात द्रव्यमान का मान दोनों के लिए, समझे? अब आप कहेंगे सर यही तरीका है क्या? नहीं, तरीका गणित मैथ्स भी है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्स सीओ एम का मान ज्ञात करेंगे। तो हम उसके लिए, गणित के लिए तो पहले निर्देशांक लगते हैं ना बेटा, निर्देशांक लगते तो मानो इस 2m को 0.0 पर मानो, इस m को 1.0 पर मानो। पशा भाई, हाँ निर्देशांक बता दे एक बार मेरे को फटाफट से जल्दी। 4m का तो मैंने लिख दिया, अब बाकी द्रव्यमानों के निर्देशांक बता। m वाले का बता निर्देशांक क्या होगा, a, बिल्कुल। उस m4 वाले का 0, a, द्रव्यमान केंद्र इसके निर्देशांक a/2, इस एक्स सीओ एम को हम कहां प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, m1x1 कितना, m2x2 कितना, m3x3, m4x4 अपॉन कुल द्रव्यमान, एक कॉमन लेकर काट दूंगा, इसको उधर वज्र गुणा कर दूंगा और इस दो को इधर गुणा कर दूंगा। अरे 4 और 5 हो जाएगा ना, तो 10 एम, तो M4 का मान कितना आ गया, क्या वही आ रहा है, वैसे ही YCOM में निकालोगे Y के लिए तो ये 5M आ जाएगा। तो आपको फिर से अंतर समझ में आएगा कि ये चूंकि दोनों निर्देशांकों को A by 2 पर बनाने के लिए, A by 2 पर बनाने के लिए दोनों M4 के मान समान नहीं आ रहे हैं, इसलिए none of these, इनमें से कोई नहीं वाला आंसर हो जाएगा, नहीं हो पाएगा बेटा। तीन, इनका पूछना ये है कि सर 3M अगर ऑप्शन में होता तो क्या उस A by 2 कोमा A by 2 पर आ जाता, 3M अगर ऑप्शन होता तो x निर्देशांक तो a by 2 आ जाएगा पर y निर्देशांक a by 2, यानी 3M भी हमारा आंसर, 5M भी हमारा आंसर, इनफैक्ट दोनों हमारे आंसर नहीं है। ठीक है मसला, क्वेश्चन 11 तक और कोई,
बेटे 11 में जब हम छोटे बच्चे थे हम फॉर्मूले पढ़ा करते थे, के बराबर पी स्क्वायर बाय के का मान इस ग्राफ में देखोगे तो 4 दे रखा है और पी का मान भी, और ये दोनों मान रखकर हमें क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। ईएलपी 2 सवाल नंबर 5 तक। चार पूछोगे? 1 किलो द्रव्यमान के 3 समान गोले अपनी सीधी रेखा पर केंद्रों के साथ एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे जाते हैं। केंद्रों को क्रमशः पी क्यू आर चिन्हित किया गया है। पी से निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी होगी। कर सकता है यार भाई, सीधा सीधा हमने क्लास में भी एक ऐसा किया था, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं था पर ऐसा ही था कि ये इसका पी का केंद्र हो गया जहां से मुझे द्रव्यमान केंद्र, यानी पी के केंद्र को मैं क्या मान लू, मूल बिंदु, और मैं इसका सारा मास क्या मान लू, एम, क्योंकि सममित है ना सारे के सारे, एम 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 यानी 1 1 किलो, तो एम मान लेता हूं मैं। तो इसके निर्देशांक बोल दे, इसके निर्देशांक यही होगा मेरे हिसाब से, मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है। मतलब अरे मैंने आर के रूप में लिख लिया, कोई आपत्ति क्या, मैंने जो लिखा वो गलत है क्या? ठीक है ना, मैटर यहां से आप क्या निकाल लेंगे, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास निकालने के बाद अब चेक कर लेना कि कौन सा मान यहां पर अपने को इन चारों ऑप्शन के बराबर मिलेगा। जैसे आप यहां पर देखोगे पी क्यू, तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है, 2 आर। पी और आर के बीच की दूरी कितनी है, 4 आर। और क्यू और आर के बीच की दूरी कितनी है, 2 आर। तो उनके सारे आर के रूप में रखकर चेक करने पड़ेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन से चेक होगा कुल मिला के। तो आप यहां से पहले इसको सॉल्व कर लेना, फिर चारों ऑप्शन में से देख लेना ये चारों ऑप्शन और आपका आंसर कौन सा मैच करेगा। मतलब आप चाहते हैं पी क्यू आर के रूप में ही सॉल्व कर लें, पी क्यू इसके रूप में सॉल्व कर लो, जैसे यहां से उस वाले की दूरी, उस वाले का जो सेंटर ऑफ मास होगा दूसरे वाले का, वो कहां मान लोगे, पी क्यू, ये पी है ना, ये क्यू है, ये आर है, तो पहले वाले का सेंटर ऑफ मास पी क्यू, दूसरे वाले का पी आर, ऐसे कर लेना, वैसे भी हो जाना चाहिए। सेंटर वाले का ही होगा। अब इस पी क्यू का मान क्या आएगा, नहीं तो 2 आर तो दिया नहीं है ना, मुद्दा यही है ना कि अब अपने को चेक करना है कि इन चारों में से कौन से का मान 2 आर के बराबर आएगा, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक। 5 में 10√2 आंसर आएगा बेटा, यानी इसीलिए हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो 5 में सवाल आसान है, बस वो आंसर मैच करने के लिए, तो वो 10√2 आना चाहिए, और 10√2 इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा बेटा 8 में क्या दिक्कत है, सिग्मा दिया हुआ है सबका, तो सिग्मा को क्षेत्रफल से गुणा कर लेंगे, तो तीनों डिस्कों का क्षेत्रफल क्या समान है, अरे है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल समान है, तो पहले का द्रव्यमान सिग्मा इंटू ए, दूसरे का द्रव्यमान 2 सिग्मा इंटू ए, तीसरे का द्रव्यमान 3 सिग्मा इंटू ए, ये तो द्रव्यमानों का काम हो गया। इसके बाद निर्देशांक क्या हो जाएंगे, उस सिग्मा वाले के निर्देशांक बता केंद्र के। बढ़िया, 2 2 सिग्मा वाले के बता, बढ़िया, और 3 सिग्मा वाले के, बस फॉर्मूला लगा देना आंसर आ जाए। अब वो कैलकुलेशन देख लेना, हो जाएगा 100% आंसर आ जाएगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं, सेंटर ऑफ मासेस जो आपने बिल्कुल सही बोले, द्रव्यमान भी आपने सही बोले, फिर फॉर्मूले में कैलकुलेशन मिस्टेक है वो खुद देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 तक, 12 तक अभी सेम मैंने जो बातें की वही सेम बातें हैं। कैसे, मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन 12, दिमाग लगा ना बस। ये चार छड़े हैं बेटे, ए बी
सी डी। और चार छड़ों के सवाल हमने किए भी थे, हमने लिखा था कि जब हम वस्तुओं को जोड़कर, क्या बोला था उसको, एक हिंदी में बढ़िया सा नाम बताया था भाई ने, कंपोजिट को हिंदी में क्या बोला था? खंडित के पहले वाला क्या, कुछ नहीं बताया, संयुक्त, तो कुछ वस्तुएं जोड़ रहे हैं कुल मिला के, वेल्डिंग करके। चार छड़ों को जोड़ के अपन ने सवाल किए थे, छोड़ो वहां पे। अब अपन ने यहाँ पे चार छड़ों का ये निकाय देखा है, और मुझे बताना है कि इन चार छड़ों के निकाय को पहली बात तो चार भागों में विभाजित कर दिया, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री और जोन फोर। और ये पूछना चाह रहा है कि इस प्रकार से बने इस स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे मतलब फ्रेम है ये, एक तरीके से एक चार छड़ों से बना फ्रेम। अब इसका द्रव्यमान केंद्र किस क्षेत्र में होगा? क्षेत्र वन में है, टू में है, थ्री में है, फोर में। और इसका सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले आप जानते हैं कि इस छड़ का, ए बी छड़ का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ माना जाएगा? उसके केंद्र पर। तो उसके केंद्र पर कितना द्रव्यमान है? एम। तो मैं यहां क्या लिख दूं बेटा? एम। बी सी छड़ का यहां 2m, सी डी वाली का और डी ए वाले का। द्रव्यमान केंद्र किस जोन में है? मुझसे ये नहीं पूछा कहाँ है, मुझसे पूछा सिर्फ जोन में। जोन बताने का सबसे बेस्ट आइडिया मैंने क्या बताया? मैंने कहा सममिति की लाइन पर जाकर ऐसे खड़े हो जाओ। अब इस लाइन पर क्या एम और थ्री एम तो इसी रेखा पर है कि नहीं है? अब इस रेखा से सेंटर ऑफ मास का उधर होना और इधर होना किस बात पर निर्भर करता है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप बताएं किधर मास ज्यादा है। यानी कुल मिलाकर इस रेखा से द्रव्यमान केंद्र होगा कि नहीं होगा? यानी या तो, या फिर, अरे समझ पा रहे हैं? फिर यहां आ जाओ, नीचे या ऊपर, क्योंकि दो तो इसी रेखा पर आ गए ना, तो इनमें तो बराबरी हो गई। अब बात तो कौन सा आ गया? टू वाला। अरे है कोई ट्यूबलाइट? आ गई ना बात समझ में? ऐसे करना है अपने को, किसी भी बिना मतलब फॉर्मूला नहीं लगा कि अपने को सीधा अगर जज करना है। और आप पूछ सकते हैं मुझसे, सर क्यों इस रेखा से क्या फर्क पड़ेगा, ये रेखा क्यों चुनी? ये इस ज्यामिति की सममित रेखा है। सममित रेखा ज्यामिति की है, द्रव्यमानों की नहीं है। ज्यामिति की सममित रेखा को मैंने आधार बनाकर ये देखा कि जिस तरफ ज्यादा भार होगा द्रव्यमान केंद्र, उसी तरफ पाया जाए। ठीक है, क्या इसी तरीके से क्वेश्चन 13 कर लेंगे? कोशिश करना एक बार, है ना? बिल्कुल यही सम्मिति वाली बातें सोचकर समझकर एक बार कोशिश करना, नहीं आता है तो फिर बाहर डिस्कस कर लेना, या समय मिलता है तो अंत में कभी डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन 14 हो जाना चाहिए। ईएलपी 3 में मैंने कितने सवाल दिए थे? 7। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन 5 चलो कर लेते हैं डिस्कस। ईएलपी 3 सवाल नंबर 5। और इसमें क्या कहा है? 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, सॉरी 4 किलोग्राम द्रव्यमान के दो ब्लॉक नगण्य द्रव्यमान की स्प्रिंग से जुड़े घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखे हुए हैं। ओके, तो मैं 4 किलो इधर मान रहा हूं यार, मेरे को अच्छा लगेगा, और मैं 10 किलो इधर मान लेता हूं। और फिर क्या कहा है इसमें? घर्षण रहित सब कुछ है, आवेग हल्के द्रव्यमान की दिशा में, उल्टा ही मान लेते हैं ना यार, ये 10, ये 4। अब सुनना, इसमें क्या कहा है? आवेग हल्के द्रव्यमान की दिशा में भारी ब्लॉक को, भाई भारी ब्लॉक ये है, और भारी ब्लॉक से हल्के द्रव्यमान की दिशा यही होगी ना, तो इस दिशा में कितना आवेग देता है? 14 मीटर प्रति सेकंड। किसको मिला ये वेग? इसका जब इसको 14 मिला, इसको कितना मिला? 0। क्यों? स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करती है? कभी अचानक बल नहीं लगाती। कैसे बल लगाएगी? जब ये यहां से चलना शुरू करेगा तो स्प्रिंग में
संपीड़न होगा तब जाकर इसको बल मिलेगा और तब जाकर ये चलना। इसमें क्या लिखा है? आवेग। आवेग यानी अचानक। तो जब अचानक यहां पर इसको 14 का वेग मिला तो उस क्षण पर इसका वेग निश्चित रूप से 0 ही होगा। और क्या पूछा है? तो पूछा क्या है निकाल लेना यार। सवाल नंबर 7 तक। बेटे दो गेंदें हवा में हैं, तो पहली गेंद का त्वरण, दूसरी का, दोनों का त्वरण अगर जी है तो द्रव्यमान केंद्र का जी खत्म नहीं क्या? फॉर्मूला लगा लो, m1g+m2 बटे क्या? ऊपर कॉमन आ गया, जी कॉमन आ गया, तो m1+m2 से तो क्या बच गया? जी। 7 कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। मॉड्यूल में था कुछ? चलो तो फिर ठीक है, फिलहाल पढ़ लेते अपन। मुझे आखिरी सवाल जो हमने किया था वो बता दें एक बार। चोट ग्रस्त ऊतक और बिंबाणु एक बार दोबारा दिखाया यार भाई। ये हो गए थे क्या? चल कोई ना, बढ़ते हैं आगे। सवाल है, जैसा ईएलपी का 7वां सवाल है बिल्कुल वैसा ही एक सवाल मैं खुद करवाना चाह रहा हूं। नहीं हुआ हो तो फिर 7वां सवाल दोबारा ट्राई कर लेना। पहले अपन यहां पर सिमिलर कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं कि कैसे और कब और कितना द्रव्यमान केंद्र विस्थापित हो जाता है। तो इस सवाल में अपने को यहां पर कहा गया है कि एक 2 kg का द्रव्यमान है जो यहां ओरिजिन ओरिजिन पर रखा हुआ है, मूल बिंदु 0.0, और इसका जो प्रारंभिक वेग है वो वेग है 4 m/s इस दिशा में। इससे आगे कुछ एक द्रव्यमान यहां पर रखा हुआ है 4 kg का, और ये इस तरफ 8 m/s के वेग से गतिशील है और इसके निर्देशांक है 6.0 यहां। और ये दोनों ब्लॉकों की जो शक्ल दिखाई है ये t=0 पर दिखाई है, और हमसे पूछा है चलिए सॉल्व करते और आज के लेक्चर में जो आगे चीजें काम आएंगी ना वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनने वाली है। तो जिसको लगता है कि मेरा सिर दुख रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो घूम आए बाहर से चीजें ध्यान से सुननी और समझनी पड़ेगी।
अच्छा कैसे पता लगेगा कि द्रव्यमान केंद्र यहां से विस्थापित होगा कि नहीं होगा? बताओ। वेग से, किसके वेग से? यानी मुझे एक बार तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का वेग निकाल लेना चाहिए। तो सब सेंटर ऑफ मास का वेग निकालो। कितना आ रहा है? यानी सेंटर ऑफ मास गतिशील है। तो ये बताओ कि 3 सेकंड में कितना दूर भाग जाएगा? तीन सेकंड में कितना भाग जाएगा बताओ? 20। अब मुझे उस द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बतानी है, पर ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सेंटर ऑफ मास शुरू में कहां था। तो आप प्रारंभिक द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालो। प्रारंभिक द्रव्यमान केंद्र, चलो छोड़ो, आप लिख नहीं रहे हो, आप सोच भी नहीं रहे हो। मैं अपनी बात को फिर से समझा नहीं, मैं समझा देता हूं बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना कि एक ये द्रव्यमान है, एक ये द्रव्यमान है जो टी बराबर जीरो पर कहीं है, कहीं रखे हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली इन दोनों द्रव्यमानों का द्रव्यमान केंद्र कहीं पर होगा, वो तो सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा, पर हाँ कहीं ना कहीं तो होगा। क्या दोनों द्रव्यमान यहां किसी दिशा में गतिशील है? तो हो सकता है द्रव्यमान केंद्र का कुछ वेग आए। तो जो द्रव्यमान केंद्र है उस द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना आ रहा है वो हमने फॉर्मूला कौन सा, m1v1 प्लस अपॉन, इससे हमने क्या निकाल लिया, द्रव्यमान केंद्र का वेग। और कितना कितना समय दिया हमने, हमने द्रव्यमान केंद्र को, तो हमने बोल दिया 3 सेकंड में कितना विस्थापित हो जाएगा, तो क्या आया 20। अब शुरू कहां से किया था और 3 सेकंड में कितना विस्थापित हो गया, क्या द्रव्यमान केंद्र अंत में वहां चला जाएगा? यानी आपको कुल मिलाकर दो चीजें इस सवाल में निकालनी होती है, किसी भी ऐसे सवाल में। पहली एक्स सी ओ एम, इनिशियल प्रारंभिक, यानी दिख रहा चित्र उसमें उस प्रारंभिक स्थिति में द्रव्यमान केंद्र कहां पाया जा रहा है। तो कहां होगा, क्या फॉर्मूला लगाते बेटा, m1x1, तो m1 दो और x1, m2x2, 4 × 6, 24 डिवाइड बाय 6, कितना आ गया, 4 मीटर। फिर दूसरी चीज यहां से हम क्या निकालेंगे बेटे, वेलोसिटी ऑफ, फॉर्मूला m1v1 8 इधर है ना, इसीलिए प्लस का, ये भी इधर है इसीलिए कितना, 32/6, 40/6 मीटर प्रति। क्या ये नियत है वेग? और नियत वेग होता है तो विस्थापन निकालने के लिए, विस्थापन डेल्टा एक्स निकालने के लिए वेग गुणा समय, किसका विस्थापन, तो वेग भी किसका, कितना है समय, कितना है, तो सेंटर ऑफ मास का विस्थापन डेल्टा एक्स सी ओ एम कितना आ गया। और डेल्टा एक्स यानी विस्थापन क्या होता है बेटा, अंतिम स्थिति माइनस हमें क्या निकालना है, अंतिम टी बराबर 3 पर सेंटर ऑफ मास के निर्देशांक निकालने हैं। तो प्रारंभिक कितना है, 4 इधर आएगा तो 24। डन। अब ऐसे कोई भी सवाल आ जाए प्रोसेस सेम रखना बेटा, सेंटर ऑफ मास की प्रारंभिक स्थिति, द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना चलेगा उस विस्थापन से अंतिम स्थिति बता देना। सिर्फ विस्थापन पूछा है तो हमारा आंसर कितना होगा, 20, पर अंतिम स्थिति पूछी है तो मुझे प्रारंभिक को जोड़ के बताना पड़ेगा, इसीलिए अपना 24 मीटर पर हमें मिला है। मैं आगे बढ़ता हूं, अगला हेडिंग
सेंटर ऑफ मास का विस्थापन। और इसमें दुख आता है बच्चों को, पर दुख ना आए इसके लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी बस। सेंटर ऑफ मास का विस्थापन, चले कुछ चीजें हैं जो आप जानते हैं तो उनको साथ के साथ लिख लेना ताकि समय अपना थोड़ा बच जाए, है ना। आपको लगेगा कि हाँ ये तो हम जानते हैं, पहले की कुछ चीजें लिख रहा हूं तो उनको साथ में लिख लेना। सबसे पहली चीज बेटे कि जब हम यहां पर शुरुआत चैप्टर की किए थे तो हमने कहा था कि कोई द्रव्यमान एम वन यहां पर है, इसका मूल बिंदु ओ के सापेक्ष स्थिति सदिश आर वन, बिल्कुल ऐसे ही कोई दूसरा द्रव्यमान उसका स्थिति सदिश आर टू, कोई तीसरा द्रव्यमान उसका स्थिति सदिश आर थ्री, और ऐसे ही कोई चौथा द्रव्यमान या एनवा द्रव्यमान उसका स्थिति सदिश आर एन। और हम इस संपूर्ण निकाय का जब सेंटर ऑफ मास डिसाइड करते थे तो हम क्या लिखते थे बेटे, एम वन आर वन प्लस एम टू आर। फिर क्या कहा गया, फिर बात आई कि यदि यहां पर इस निकाय को परेशान किया जाए, परेशान किया जाए का मतलब है इस पर बल लगाए जाए, कुछ भी आंतरिक या बाह्य या जो भी बल लगाए जाए, तो बलों के कारण कण इन अपनी स्थितियों आर वन आर टू इनको चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, जाएंगे ना कहीं, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये सब सब अपनी अपनी जगह से विस्थापित होंगे या हो सकते हैं। और उस विस्थापन से हमारा द्रव्यमान केंद्र भी जो यहां पर रहा होगा, हो सकता है द्रव्यमान केंद्र भी कहीं दूसरी जगह पहुंच जाए। हाँ, तो ऐसा होने से हमने माना कि अब द्रव्यमान केंद्र की नई स्थिति, जिसको मैं किससे लिख रहा हूं बेटा, डैश, नीचे द्रव्यमानों में चेंज नहीं हो रहा है, चेंज किसमें हो रहा है बेटा, उनकी स्थितियों में। तो द्रव्यमान एक की नई स्थिति को मैं क्या लिख रहा हूं, आर वन डैश वेक्टर। और जब मैं यहां से समीकरण दो माइनस एक करूंगा, दो माइनस एक, ये क्या है, द्रव्यमान केंद्र की अंतिम स्थिति या नई स्थिति, फाइनल माइनस विस्थापन, यानी क्या आ जाएगा ये डेल्टा आर सी ओ एम, घटा दिया ना। अब जब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो बेटा यहां नीचे कुछ तो चीजें एलसीएम में कॉमन आ जाएगी ना, तो इसके हर में से इसका हर घटाना है मात्र। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो जब मैं M1 M1 वाली चीजें देखूंगा तो M1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या लिखा जाएगा, R1 डैश माइनस, उसको क्या लिखा जाएगा, डेल्टा R1। यानी पहले कण के विस्थापन की बात हो गई, जो पहले कहां था R1 पर, फिर कहां आ गया R1 डैश पर, तो विस्थापित कितना हुआ, R1 डैश माइनस R1 बराबर डेल्टा R1। और ऐसे ही बाकी कण भी विस्थापित हो रहे। अब आती है मजे की बात, ध्यान से सुन लो आप सब, सिर्फ सुन लो बाद में लिख लेना। फिर यहां से बात आती है कि अब यदि हमने एक कल एक सवाल में स्थिति की बात की थी,
शायद याद हो आपको, सवाल नंबर 5, जिसमें हमने ये कहा था कि दो कण एक्स और वाई परस्पर आकर्षण बल से एक दूसरे की ओर चले जा रहे हैं, प्रारंभ में वो स्थिर अवस्था में थे। तो बिल्कुल वही चीज अब मैं यहां से कह रहा हूं कि यदि इस निकाय पर अब जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, यदि मुझसे पूछा जाता है कि द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन कितना हुआ है, तो उस स्थिति में तो मैं यही फॉर्मूला लगा दूंगा कि द्रव्यमान केंद्र का ये विस्थापन बता रहा है। अगर मुझे स्थिति जाननी है तो m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3, पर अगर मुझे विस्थापन जानना है तो डेल्टा आर सी ओ एम बराबर m1 और पहले कण का विस्थापन, m2 दूसरे कण का विस्थापन, m3 तीसरे कण का विस्थापन। यानी विस्थापन जानना है तो यहां भी विस्थापन आएगा, और अगर स्थिति जाननी है तो यहां भी स्थिति आएगी। स्थिति और विस्थापन में अंतर समझते हैं, जैसे कण की स्थिति x बराबर 1 है तो वो स्थिति है, पर वो 1 से जब 3 जाता है तो विस्थापन 2 है। वही चीज हम यहां से कह रहे हैं। तो हमने कहा कि अब चूंकि यहां पर हमने कहा कि विस्थापन अगर मुझे निकालना है तो m1r1 m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2, ऐसा हम अप्लाई कर देते हैं। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उस उदाहरण में, उस सवाल में, उस x और y वाले सवाल में जिसमें मैंने कहा कि बाह्य लग रहे कुल बल क्या है, जीरो, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण वो निकाय गतिशील है, आंतरिक परस्पर आंतरिक आकर्षण बलों के कारण अगर गतिशील है, तो मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था बिल्कुल एफ नेट बराबर जीरो। और मैंने कहा था कि अगर एफ नेट जीरो है और साथ के साथ आपने वहां पर क्या पाया था, यू सेंटर ऑफ मास का प्रारंभिक वेग भी क्या है, जीरो है, और अगर ये दोनों चीजें वहां पर एक साथ मौजूद हैं, तो हमने लिखा था डेल्टा एक्स किसका, सेंटर ऑफ मास का, वो भी क्या होगा, जीरो पर होगा, यानी सेंटर ऑफ मास वहां पर डिस्प्लेस नहीं होगा। मैंने और भी बातें कही होंगी, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैंने कहा था कि जब इस प्रकार का सिस्टम दिया जाएगा जिसमें प्रारंभ में विराम से चल रहे हैं और कुल बाह्य बल जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का त्वरण, सेंटर ऑफ मास का वेग कांस्टेंट नहीं, जीरो। मैं इसके लिए बात कर रहा हूं कि अगर प्रारंभिक वेग भी शून्य है और कुल बल भी जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का त्वरण भी, वेग भी, विस्थापन भी, और वो जब टकराएंगे तो किस बिंदु पर टकराएंगे, सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास विस्थापित नहीं हो सकता, तो उनको मजबूरी में सेंटर ऑफ मास पर ही आकर टकराना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में भी सारा केंद्र वहां है तो अंत केंद्र भी वही होना चाहिए। यहां तक की बात थी ना। अब मैं यहां पर आपको समझाता हूं कि बेटा अगर मैं इस चीज को फिलहाल डेल्टा आर लिख देता हूं क्योंकि हम आर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो डेल्टा आर सी ओ एम हमारा हो गया, और अगर डेल्टा आर सी ओ एम हमारा जीरो हो गया है, तो अब इस फॉर्मूले में जैसे ही मैं यहां जीरो रखूंगा और इस सारी चीज को जीरो से गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m1 डेल्टा r1, यानी पहले कण का द्रव्यमान और पहले कण का विस्थापन सदिश रूप में, है ना, दिशा का विशेष ध्यान रखेंगे, दूसरे कण और दूसरे कण का विस्थापन, तीसरा अगर है उसमें कण तो तीसरे कण का भी विस्थापन, इस प्रकार से जितने भी कण हैं उन सभी का सदिश योग शून्य मुझे कर देना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और सुनना, कभी कभी क्या होगा, निकाय होगा बेटा, निकाय, उस निकाय में आप देखेंगे सर इस पे तो कुल बल जीरो हो ही नहीं रहे, हो सकता है आपको उस पर गुरुत्वीय बल लगता दिखे, तो गुरुत्वीय बल किस दिशा में लगता है, वाई अक्ष की दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में, पर गुरुत्वीय बल अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो उस पर क्षैतिज बल तो जीरो है ना। मान लो कि सवाल में आपने देखा गुरुत्वीय बल है सर इस पे, पर मैं पूछूं क्षैतिज बल, तो आप कहेंगे सर क्षैतिज बल जीरो है, तो अगर यहां पर क्षैतिज दिशा में लग रहे कुल बल अगर जीरो है, और उसका क्षैतिज दिशा में जो वेग है
वो क्षितिज वेग भी जीरो है, तो क्या आप यहां से उसका क्षितिज दिशा में सेंटर ऑफ मास का विस्थापन जीरो कर सकते हैं? बिल्कुल होंगे होंगे तो वाई दिशा में बल, हम वाई दिशा की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हम जानते हैं सदिश में एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। एक्स दिशा में अगर कोई बल है तो उसका वाई दिशा में घटक जीरो होता है, वाई दिशा में कोई बल है तो उसका एक्स दिशा में घटक जीरो होता है। तो अगर मुझे समझ आता है कि एक्स दिशा में बल जीरो है तो क्या मैं एक्स दिशा में सेंटर ऑफ मास का विस्थापन शून्य मान सकता हूं, हाँ या ना? और अगर एक्स दिशा में सेंटर ऑफ मास का विस्थापन शून्य है तो मेरी यही समीकरण यहां कैसी लिखी जाएगी? एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस और यही चीज जितने भी वहां उस निकाय में द्रव्यमान है सबके लिए लागू हो जाएगी। यही सेम काम अगर वाई दिशा में बल जीरो है तो मैं यहाँ डेल्टा एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा वाई लिख सकता हूँ। ये तो सवाल के डेटा और हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये चीज अपनी आएगी काम इससे भी ज्यादा। मेरा रिक्वेस्ट बस यही है, मैं फिर से अपनी बात को रख दूं कि अगर मुझे सिर्फ द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात करनी है तो वो तो हम पहले ही कर चुके थे पहले लेक्चर में। अभी हम हेडिंग हमारी देखो द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन ज्ञात कर रहा है तो हम ये काम करें। फिर हमने बड़ी मसालेदार बात सीखी, हमने सीखी कि अगर बाह्य बल जीरो है और प्रारंभ में निकाय विराम में है तो द्रव्यमान केंद्र विस्थापित अंदर कण विस्थापित हो सकते हैं, ये यहां आ सकता है ये यहां आ सकता है, पर द्रव्यमान केंद्र जहां है वहीं रहेगा। और उस स्थिति में हम अगर किसी अज्ञात चीज को ज्ञात करना चाहते तो ये चीजें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हीं को करेंगे अगले पूरे लेक्चर में। तुरंत लिखें फटक से लिखें भैया। इधर का आधा हा तो लिख लिया होगा,
लिखा। बोलो भाई लोग। तो सवाल के लिए मैं कुछ लाइनें यहां पर लिखवाता हूँ, इसमें करना क्या है वो लिखवाते हैं अपन। फिलहाल दिख क्या रहा है वो बातें कर लेते हैं। दो द्रव्यमान है M1 M2, उनका कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा, तो मैंने कहीं भी रैंडम ऐसे ही बना दिया कि हाँ यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है। फिर मैं यहां से कहना चाहता हूं कि M1 को मैंने किधर विस्थापित किया, सेंटर ऑफ मास की तरफ, कितना डी, तो लिखेंगे M1 को COM की तरफ, M1 को COM की तरफ डी विस्थापित करने पर, M1 को COM की तरफ डी विस्थापित करने पर डी विस्थापित किया गया है, डी विस्थापित किया गया है। अरे दोबारा नहीं लिखना, मैं करेक्शन करके बोला हूं। मैंने बोला है M1 को सेंटर ऑफ मास की तरफ डी विस्थापित किया गया है, तो M2 को कितना विस्थापित किया जाए, तो M2 को कितना विस्थापित किया जाए जिससे कि COM की स्थिति परिवर्तित ना हो, जिससे COM की स्थिति परिवर्तित ना हो। उधर का लिख लिया,
क्या पूछा है पहले सवाल में कि एम टू द्रव्यमान कितना विस्थापित होगा ताकि सेंटर ऑफ मास का विस्थापन शून्य हो। सही बात। और सेंटर ऑफ मास के विस्थापन का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, डेल्टा आर सी ओ एम बराबर एम वन डेल्टा आर वन प्लस एम टू डेल्टा आर टू बटे, दो ही द्रव्यमान है तो एम वन प्लस एम टू। और हमसे क्या कहा गया कि मुझे सेंटर ऑफ मास का विस्थापन कितना चाहिए, तो ये सारी चीज जीरो हो जाएगी। और अंत में हमने क्या लिख लिया था उधर डेरिवेशन में ही, एम वन डेल्टा आर वन प्लस एम टू डेल्टा आर टू बराबर जीरो। और बस मुझे यहां मान रखने हैं, मुझे विशेषकर दिशा का ध्यान रखना है, कितने द्रव्यमान यहां इन्वॉल्व हैं, दो। तो जो पहला M1 द्रव्यमान है उसका विस्थापन कितना दिखाया गया है बेटे, D, किस दिशा में, धनात्मक दिशा में सेंटर ऑफ मास की ओर। तो मैं लिखूंगा M1 द्रव्यमान और उसका विस्थापन प्लस D। और दूसरे द्रव्यमान का विस्थापन कितना होगा, ये X हम जानना चाहते हैं, ये अज्ञात मान हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे M2 द्रव्यमान लिखना पड़ेगा और इसका विस्थापन कितना लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स बराबर जीरो। सही बात है। तो यहां से हम उस अज्ञात एक्स का मान क्या लिख लेंगे, M1 बटे M2 डी। हाँ बेटा, मैंने यहां माइनस मान लिया, अगर आप यहां माइनस नहीं मानते हैं तो यहां माइनस आ जाए भैया। तो मैं दिशा को पहले ही मान लूं कि मुझे पता है कि वो इधर ही विस्थापित होगा, तो उसके हिसाब से मैंने पहले ही माइनस मान लिया। या अगर मैं नहीं मानता हूं तो वैसा ही छोड़ दो, उसको एक्स मान लो, अपने आप वो एक्स ऋणात्मक आ जाएगा। इसमें प्लस की माइनस प्लस, यहां क्या बताना है, विस्थापन सेंटर ऑफ मास का। और सेंटर ऑफ मास के विस्थापन का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, मैंने कहा विशेष कर ध्यान रखना बेटा, M1 डेल्टा आर वन प्लस एम टू डेल्टा आर टू अपॉन M1 प्लस एम टू। और M1 पहला द्रव्यमान M है, उसका विस्थापन पीछे, तो क्या लिख देंगे, माइनस वन। दूसरा द्रव्यमान 2M, इसका विस्थापन आगे प्लस टू, कुल द्रव्यमान 3M। तो कितना हो जाएगा ऊपर सारा समेट के, तीन नहीं चार, और यहाँ 3M/3M, 1 मीटर इधर धनात्मक दिशा में। इसमें स्थिति वही आ गई जिस पे अपन ने विशेष स्टार लगाए थे, कहा था ना अपन ने कि ऐसी चीजें बहुत बार आएंगी काम में, तो यहां पर प्रारंभ में विराम पर रखे हैं और दोनों विराम पर रखे कण परस्पर आकर्षण से चलना शुरू करते हैं। और अगर ऐसी स्थिति है तो हमने रिजल्ट क्या सीख लिया बेटे, M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2, और दो है तो फिलहाल दो। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, M1 2M और विस्थापन 1 प्लस में लिख सकते हैं, है ना। दूसरा M2 और विस्थापन D, अभी मैं माइनस ले रहा ताकि अपने आप वो D किस में आ जाएगा,
माइनस में, भाई आप ही ने मुझे कहा ना कि सर यहाँ प्लस रखो तो अपने आप माइनस में आना चाहिए, तो ऐसे आ जाएगा अपने आप माइनस में। तो यहाँ से एम टू कितना है, एम है, तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, माइनस 2। और इसमें क्या कहा है अगले वाले में कि जब वे टकराते हैं सवाल ही मैंने उल्टा लिख दिया। चलो कोई ना, फिलहाल आंसर क्या है, फिलहाल आंसर क्या है इसमें, जीरो, कि दोनों टकराएंगे। टकराएंगे तो कहाँ टकराएंगे, सेंटर ऑफ मास पर। तो हमने लिखा है जब वे टकराते हैं तो उस क्षण तक द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन जीरो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो, टक्कर भी उसी द्रव्यमान केंद्र पर होगी। इसका सेकंड में लिख देता हूं पार्ट इसी क्वेश्चन में, कि जिस क्षण पर टक्कर हुई है उस क्षण तक द्रव्यमान m कितना विस्थापित हुआ। बताओ बेटा, जहां से वो दोनों चलना शुरू किए हैं उनके बीच की प्रारंभिक दूरी मैंने क्या बताई है, और दोनों टक्कर कहां करेंगे, यानी कुल मिलाकर आपको बताना क्या है, इस प्रारंभिक द्रव्यमान की जो स्थिति m है यहां से सेंटर ऑफ मास की ये दूरी ही तो बतानी है बेटा। और इस दूरी को मैं यहां पर क्या बोल दूं, r2। हाँ, ये द्रव्यमान केंद्र जहां है वहीं रहेगा, द्रव्यमान प्रारंभ में जहां थे उनकी कुल दूरी जिसको हम आर कहते हैं वो हमें 4 मीटर दी हुई है, मुझे पता है इस निकाय का अंत कहाँ होगा, ऐसे बूम, और यहां इस जगह से ये वाली विस्थापन मुझे बतानी है। और इसका पहला तरीका, पहला तरीका जिसमें मैं आर टू का सीधा फॉर्मूला लगाता हूं, आर टू में एम वन आता है, तो एम एम वन टू एम आर इज एम वन प्लस एम टू, तो 2m/3m, अरे यार 2m/4 नीचे कितना आ जाएगा। एक इसका दूसरा तरीका, कि द्रव्यमान केंद्र से पहले द्रव्यमान की दूरी और उसका गुणन m1 r1 बराबर, अगर ये दूरी r2 है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 4 माइनस r2। हाँ, तो यहां से m1 2m दूरी, द्रव्यमान दूसरा, दूरी m से m, r2 सॉल्व करना कितना आ जाएगा, 8/3। दोनों तरीके आप लगा सकते,
उधर का लिखा, उधर तक का। इस सवाल में लिखें, पहले मैं सवाल में चित्र में क्या क्या दिख रहा है वो समझा देता हूं। एक कोई ट्रॉली है और जिसका द्रव्यमान, उसको रस्सी से बांधा जिसकी लंबाई, और उस एक सिरे को हमने एक आदमी जिसका द्रव्यमान m/2 है से खींचने को बोला। सतह यहाँ पर क्या है? स्मूथ है, यानी इस सतह, यानी आदमी और ट्रॉली के, आदमी और उसके पैरों के बीच में कोई घर्षण बल, जो भी बल यहाँ पर है वो कौन सा बल है? कौन सा बल है? और तनाव इस निकाय के लिए क्या रहेगा? आंतरिक बल। तनाव इस निकाय के लिए क्या रहेगा? यानी इस निकाय पर क्षैतिज दिशा में कोई भी बाह्य बल, क्षैतिज दिशा में कोई भी बाह्य बल, घर्षण होता तो शायद आदमी जब इसको खींचने का प्रयास करता तो जमीन से घर्षण क्षैतिज दिशा में लगता कि नहीं लगता? पर फिलहाल स्मूथ सतह है। तो पूछा पूछा गया है, इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, जब व्यक्ति रस्सी को खींचना प्रारंभ करता है, जब व्यक्ति रस्सी को खींचना प्रारंभ करता है, तथा ट्रॉली से मिलता है, तथा ट्रॉली से मिलता है, तो व्यक्ति का, व्यक्ति के द्वारा, तो व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। नहीं, तो बेटे यहाँ पर आप अगर गौर से देखें, मैं वापस से बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ, आपको क्या और क्यों कैसे सोचना था। सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ सोचने की बनती है वो ये बनती है कि निकाय, निकाय का तात्पर्य यहाँ पर आदमी और ट्रॉली से है, और आदमी और ट्रॉली जिस तरीके की सतह पर रखे हुए हैं, इस सतह से इनको कोई बाह्य बल, घर्षण नहीं है। हाँ, अंदर हो सकते हैं बल, इस पर तनाव इधर होगा, इस पर तनाव इधर होगा, पर ये तो परस्पर आकर्षण बलों जैसा ही हो गया ना, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बताया था F12 और F21, बिल्कुल ऐसा। तो हम यहां से क्या समझ गए कि ये ऐसा निकाय है जिस पर कुल बाह्य बल, जो प्रारंभ में स्थिर भी था, फिर जब खींचना शुरू किया तो दोनों चीजें चलने लगी, और आप जानते हैं दोनों चीजें चलेंगी तो द्रव्यमान केंद्र स्थिर ही रहेगा। यानी इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र अगर यहां है तो जब दोनों मिलेंगी, यानी आदमी जब इसे खींचेगा तो खुद भी आगे सरकेगा कि नहीं, ट्रॉली भी इधर आएगी कि नहीं, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ ट्रॉली चल के यहां आ जाएगी, ऐसा संभव? दोनों चलेंगे, और हमें यही बताना है कि आदमी
यहां जहां जब वो ट्रॉली से मिलता है तब तक कितना चलेगा, क्या इसी चीज को मैं आर टू कह दू? और क्या आर टू ज्ञात करने के दो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे हैं, या तो फॉर्मूला लगा लू या एम वन आर वन बराबर, कौन सा ठीक लगा? एम वन आर वन ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इस द्रव्यमान को एम टू और इसका विस्थापन आर टू, उधर वाला ट्रॉली का द्रव्यमान m और उसका विस्थापन 10 माइनस आर टू, काट पीट लो, आर टू का मान आ जाना चाहिए 20 बटे 3 मीटर। ऐसे सवालों में गलती नहीं करनी बेटे, मैं विशेष यहां पर दो सवाल तीन सवाल इसी ले लिया हूं कि इनमें मिस्टेक नहीं करनी, ये जड़ है इस कॉन्सेप्ट की। ये एक सवाल और आगे अब अपने नए कॉन्सेप्ट जुड़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान दें अगले 15 मिनट में। अपने पास यहां पर क्या बात कही जा रही है कि एक सिस्टम है कि लकड़ी का पट्टा, कुछ भी ऐसे शब्द दिए जाएंगे, प्लैंक भी बोल देंगे इंग्लिश में लिख दिया तो, लकड़ी का पट्टा बोल देंगे, जो भी है जैसी भी चीज है, जिस सतह पर रखिए वो सतह घर्षण रहित है, और इस वजह से क्या होगा कि जब इस पर हल्का सा भी बल लगा तो ये चीज चलेगी, ठीक है? ओके। इस लकड़ी के पट्टे के या इस प्लैंक के दो किनारे हैं ए और बी, और यहां पर एक व्यक्ति है कुछ स्मॉल एम द्रव्यमान का, पट्टे का खुद का द्रव्यमान कैपिटल एम है, प्लैंक का द्रव्यमान कैपिटल एम, और छोटे एम द्रव्यमान का एक व्यक्ति वहां सिरे ए पर खड़ा है। अब इसमें क्या है कि जैसे सिरे ये आदमी जो खड़ा है ना, इस जैसे ये मेरे नीचे प्लैंक रखा है तो मैं चलूंगा, मैं चलना यहां शुरू करता हूं तो मेरे और उस प्लैंक के बीच में घर्षण होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर इस आदमी और इसके बीच में घर्षण है, और इस पट्टे और जमीन के बीच में घर्षण, क्लियर? और सवाल में यहां कहा जाता है इसकी लंबाई एल है, सवाल में कहा जा रहा है, लिखिएगा, एक व्यक्ति एल लंबाई के पट्टे पर, एक व्यक्ति एल लंबाई के पट्टे पर सिरे ए से बी तक जाता है, तो प्लैंक का या तो पट्टे का विस्थापन ज्ञात करो, तो पट्टे का विस्थापन ज्ञात करो,
चलिए मैं पूरी कहानी शुरू करता हूं अंत से, मतलब प्रारंभ से अंत तक, क्या ट्रिक और क्या टेक्निक दोनों की बातें मैं करूंगा। प्लीज अब मेरी बात को गौर से ध्यान से सब लोग सुन लेना। आपने जो भी किया है, जैसे भी किया है, सब बातें ठीक है, उसको एक साइड अभी कर देते हैं फिलहाल, बाद में देख लेना। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, ये इसका सबसे इजी स्तर है, और यहां से कठिन स्तर क्या होंगे मैं उनका आइडिया देता हूं कि अभी तो इस पट्टे पर कितने आदमी चल रहे हैं। इससे और कठिनाई की बात करें तो दो आदमी चला दिए जाएंगे, तीन चला दिए जाएंगे, चार चला दिए जाएंगे। ये लकड़ी का पट्टा है, लकड़ी के पट्टे की जगह इसको कह दिया जा सकता है नाव। स्थिति सेम रहेगी, लकड़ी के पट्टे और नाव में हमें सवाल सॉल्व करने में कोई अंतर नहीं सोचना है। लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ेगी, आदमियों की संख्या। अभी फिलहाल एक है, और उसी एक को लेकर मैं डेरिवेशन भी बताता हूं और ट्रिक भी बताता हूं। सुनना, मैंने जैसा कहा कि जब इस लकड़ी के पट्टे पर जब हल्का सा भी बल लगेगा तो ये लकड़ी का पट्टा सरकेगा कि नहीं सरकेगा, जमीन के सापेक्ष सरकेगा कि नहीं सरकेगा। आदमी ए चलना चाहता है कहां से, ए से बी तक, और जब आदमी ए चलेगा तो जैसे मान लो यहां पर था, और बिल्कुल वैसी ही फील अगर मैं यहां से चाहूं, यहां से मैं उधर जाना चाहता हूं, और जब मैं चलूंगा तो अपने पैरों से लकड़ी के पट्टे को किधर बल लगाऊंगा, पीछे, तो लकड़ी का पट्टा धीरे, जैसा मैं आगे जाता जाऊंगा बिल्कुल उसी कुछ हिसाब से थोड़ा थोड़ा वो पट्टा पीछे सरकता जाए। तो मैं यहां से कहता हूं कि अगर अंतिम स्थिति कुछ ऐसी होगी जी, यहां पर जब मैं इस ए से बी किनारे तक पहुंच गया, तो शायद मैं मान के बात करता हूं कि ये पट्टा कुछ यहां से यहां तक एक्स विस्थापित, ये पट्टे का विस्थापन किसके सापेक्ष बोला है मैंने, धरातल के सापेक्ष। धरातल के सापेक्ष मतलब जो आप हो, आप धरातल के प्रेक्षक हो कि नहीं हो, और आपके सापेक्ष वहां पर क्या हो रहा है, आदमी आदमी आगे जा रहा है पट्टा। ईमानदारी से बोलना, बिल्कुल यही अपने को यहां पे दिख रहा होगा कि आदमी आगे जा रहा है। आदमी का लक्ष्य क्या है, आगे जाना, कहां से कहां तक, यानी अंत में आदमी, अभी ये ए किनारा यहां आ चुका है और बी किनारा यहां आ चुका है, यानी अंत में आदमी यहां पहुंच चुका है या नहीं, यहां के ना, यानी आदमी ने जो सोचा, आदमी ने ये थोड़ी ना सोचा कि वो आपके सापेक्ष चल रहा है, वो कहां चल रहा है, लकड़ी के पट्टे पर, और आदमी ने सोचा कि मैं यहां से ए से इस बी किनारे पर पहुंच जाऊंगा, और वो पहुंच भी गया, और इस पूरी प्रक्रिया में पट्टा खुद कितना एक्स, और मुझे वही एक्स जानना होता है। सवाल में हमने लिखा है ना कि पट्टे का स्थापन ज्ञात करो, यही एक्स मुझे जानना है। पट्टे का द्रव्यमान कितना, आदमी का द्रव्यमान छोटा है, पट्टे का विस्थापन कितना किधर, आदमी का विस्थापन कितना, एल आगे, एल 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 तो इतना बड़ा है, ये तो इतना सरका, कितना कम करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, किधर आगे, सही बात। यही यहां पर दुविधा है कि अभी तो क्या हुआ, एक ही आदमी था, तो मैंने पट्टे को पीछे एक्स सरका दिया, तो आदमी का विस्थापन मैंने एल ना लिखकर थोड़ा ध्यान से देखा तो मुझे कितना नजर आ गया, एल माइनस एक्स। इसलिए मुझे आसानी से, अब मुझे क्या करना है, दो द्रव्यमान है, निकाय यहां पर घर्षण रहित तल पर है, इस पर बाह्य बल आंतरिक बल है, आदमी और प्लैंक के बीच में घर्षण बल है, पर वो आंतरिक बल है कि नहीं है, हमारा मुद्दा किससे है, बाह्य बलों से, यानी मैं क्या कहता हूं, एफ नेट अगर 0 है, प्रारंभिक वेग अगर 0 है, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और बिल्कुल उसी के लिए हमने क्या सीखा है, M1 डेल्टा, M2 डेल्टा, X2, और दो ही द्रव्यमान है तो बस यही। M1 कौन, प्लैंक मान लू, बड़ा वाला M, जिसका विस्थापन इसमें बेमानी नहीं चलेगी बेटा, दिशा में, आपने देखा, आपने माना कि प्लैंक को किधर सरकता दिख रहा है, तो किसके साथ लिखा जाएगा, प्लस M2 छोटा M आगे L माइनस X बराबर, इसको सॉल्व करना, X का मान आ जाएगा
अब मैं ट्रिक की बात करता हूँ, सब इधर देख लेना, सब इधर देख लेना प्लीज, अपना दिमाग थोड़ा सा साइड में, फिर किसी को कुछ भला बुरा बोल दो तो बाद में मत रोना, सब इधर। यहां पर हमारा सोचने का तरीका क्या है, मैं वही बात कर रहा हूं, मैं जीरो लेवल से, यानी अभी एक आदमी है, मैं एक से दो तीन चार कितने भी आदमी, जो सबके लिए सेम कॉमन ट्रिक काम करेगी, इसलिए यहां पर ध्यान से सुन लेना। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे ज्ञात क्या करना है बेटा, ये एक्स वास्तव में क्या है? तो आप कहेंगे एक्स उस प्लैंक या प्लैंक की जगह सवालों में बोट भी हो सकती है का विस्थापन, जो कि किसके सापेक्ष है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मुझसे पूछा जा रहा है और यही मुझे बताना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि जैसे मान लो यहां पर अभी एक आदमी था एम द्रव्यमान, वो चला, उसका विस्थापन, तो अभी फिलहाल वो कहां चला? आगे कितना चला? एल माइनस एक्स। पर अभी जो यहां पर अपन लिखेंगे, वो जो भी विस्थापन लिखेंगे, वो विस्थापन लिखेंगे प्लैंक या बोट के सापेक्ष। यानी जो भी अभी आपको यहां लिखना है, वो जो भी विस्थापन लिखना है, वो किसके सापेक्ष लिखना है? प्लैंक या बोट के सापेक्ष। अब आसान हो जाएगा मामला, क्योंकि अगर अब मुझे पहले तो ये गड़बड़, सबसे बड़ी दुविधा ये थी, ये एल माइनस एक्स, क्योंकि जब दो तीन द्रव्यमान हो जाएंगे तो मेरा दिमाग पागल हो जाएगा कि कौन कितना चला, मुझे समझ ही नहीं आएगा। पर अभी इस ट्रिक में आपके लिए सबसे फायदे की बात क्या है कि जमीन के सापेक्ष कितना चल रहा है ये नहीं सोचना, प्लैंक पर उस लकड़ी के गत्ते पर कितना चल रहा है ये सोचना है। तो यहां अगर इस हिसाब से सोचूं तो ये आदमी कितना चला है? एल। कितना चला है? L। तो यहां पर इस ट्रिक में आपको क्या करना है, ये m किसका द्रव्यमान हो जाएगा? आदमी का। ये डेल्टा r किसका हो जाएगा? आदमी का। किसके सापेक्ष? प्लैंक या बोट के सापेक्ष, जो कि कितना है? L। है कि नहीं है? दो आदमी होंगे, मान लो एक आदमी b से a जाता, इस पे मान लो इसी नाव पर एक और आदमी खड़ा कर दूंगा, वो b से a जा रहा होगा सेम क्वेश्चन में, तो आदमी दूसरे का, उसका द्रव्यमान m2 है मान लो, उसका विस्थापन क्या लिखोगे? माइनस एल, माइनस एल, क्योंकि वो बी से किसके सापेक्ष? तो बोट के सापेक्ष, तो एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहा है, तो बोट के सापेक्ष तो कितना ही चलेगा, पूरा एल, पर दिशा विपरीत, पीछे विपरीत ना बोले, पीछे, इसीलिए माइनस एल। तो जो यहां पर डेल्टा आ रहा है वो क्या है? उस पर्टिकुलर मास का प्लैंक या बोट के सापेक्ष विस्थापन। तो ऐसे बहुत सारे कितने भी मास हो, सबका यहां पर क्या लिख देंगे? द्रव्यमान और उसके विस्थापन की गुणन, और ऐसे सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे मान लो एक m द्रव्यमान 1 मीटर आगे चला पट्टे के सापेक्ष, तो लिख देंगे m गुणा प्लस वन। एक दूसरा द्रव्यमान m2 4 मीटर पीछे चला पट्टे के सापेक्ष 4 मीटर, तो m गुणा माइनस चार। एक तीसरा द्रव्यमान 6 मीटर आगे चला पट्टे के सापेक्ष, तो m3 गुणा प्लस 6। तो इस प्रकार से सब जितने भी द्रव्यमान है, पट्टे को भी नहीं छोड़ना, जो पट्टा है ना नीचे रखा हुआ है, नाव या पट्टा, उसको भी करना है, उसको भी गुणा करना है, पर पट्टे का पट्टे के सापेक्ष विस्थापन जीरो होता है। अरे हाँ, इसीलिए जब उसको यहां पर डेल्टा आर से गुणा करेंगे तो वो चीज जीरो हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर पट्टे वाला काम यहां पट्टे के गुणा का काम नहीं करना। मान लो चार चीजें हैं, एक एक लकड़ी का पट्टा और तीन आदमी, तो इसका जितना विस्थापन हुआ है उसको द्रव्यमान और उसके विस्थापन को गुणा कर देंगे। विस्थापन किसके सापेक्ष? दूसरे के लिए भी कर देंगे, तीसरे के लिए भी कर देंगे, खुद नाव या पट्टे के लिए भी करना तो था, पर जीरो हो गया, क्योंकि पट्टे का पट्टे के सापेक्ष विस्थापन शून्य होता है, वो खुद के सापेक्ष हमेशा विराम पर दिखाई पड़ेगा। हो गया काम, डिवाइड बाय जितने भी मास है सबको जोड़ना है।
अब मासेस में पट्टा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, यहां भी जुड़ा था नहीं जुड़ा था, जुड़ा था पर वो खुद खुद के सापेक्ष जीरो हो गया था, पर यहां द्रव्यमान में वो चीज नजर आएगी। जैसे अभी इस कॉन्सेप्ट में अगर मैं एक्स निकालता हूं तो मुझे बताएं कितना आदमी है, एक पट्टा भी है पर पट्टे का पट्टे के सापेक्ष विस्थापन कितना हो गया, आदमी एम कितना चला आगे की पीछे, तो प्लस एल, हाँ कि ना, सबको जोड़ दिया डिवाइड में, और मैं फिर से कह रहा हूं 2, 3, 4, 10 कितने भी आ जाए सबके लिए वैलिड है। इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, तो छोटा एम कितना है, लकड़ी पट्टे की लंबाई, कुल द्रव्यमान 120, 10/6, 5/ पॉजिटिव है यानी नहीं, एक मिनट कुछ गड़बड़ की अपन ने शायद, पहले एक्स नेगेटिव लिया ठीक है, तो अपने को बस हाँ रिजल्ट कैसे आएगा कि विस्थापन कितना हुआ 5/3, यानी आदमी अगर आगे जा रहा होगा तो पट्टा पीछे जाएगा, तो ये पीछे की तरफ 5/3 है, ठीक है ना भाई, ये तो अपने को पता लगेगा ना, एक द्रव्यमान आगे आएगा तो दूसरा इधर आएगा, एक इधर जाएगा तो दूसरा इधर आएगा, तभी जाकर सेंटर ऑफ मास बीच में रह सकता है, तो आदमी आगे जा रहा है तो पट्टा पीछे जाएगा 10/3। ये चीज है, इसको सोचना संभलना आराम से, मुझे आप ईएलपी छोड़ो मॉड्यूल 2, मॉड्यूल के हमने कितने तक में होमवर्क ले लिए थे बेटे, एक्सरसाइज 1 में 13 तक, ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 में 18 तक कर लेना, जिसने ईएलपी पूरी नहीं की हो वो पहली प्राथमिकता से ईएलपी निपटाए बेटा, उसके बाद एक्सरसाइज 1 में 18 तक करना है एक्सरसाइज, इसके बाद अपने को कॉन्सेप्ट बिल्डर में हमने कहां तक निपटा लिए थे, 2 तक है ना, 2 पूरा कर लिया था हमने, तो कॉन्सेप्ट बिल्डर 3 पूरा कर ले, मुझे 3 में तो नहीं दिख रहा, हाँ कॉन्सेप्ट बिल्डर 3 पूरा कर ले, थैंक यू। मैं फिर से यहां रिपीट कर दूंगा, पर फिर भी आप अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत कर ले, सोच ले समझ ले